हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। हरियाणा न्यूज देख रहा है अग्रेसो आप, मैं सोनिया सत्यानीता, सबका घना स्वागत करूं सु हमारे सांझ की खबर में। तो चलो चौगड़ के हरियाणा में खबर की शुरुआत करा। सिरसा के तेजाखेड़ा में ईडी की ओर से छापेमारी 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक चाली, जो कि खत्म होगी सह। ईडी ने तेजाखेड़ा में मौजूद इनेलो नेता के फार्म हाउस पर छापेमारी करी। ईडी ने आए तक घनी संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई करी से। छापेमारी के दौरान ईडी ने फार्म हाउस पर संपत्ति अटैच करण का बोर्ड भी लगा दिया से और तेजाखेड़ा फार्म हाउस के कुछ हिस्से सील भी कर दिए। आपने बता दें कि चौटाला पे आए थे घनी संपत्ति का जो मामला से पिछले 13 साल तक चल रहा है। इससे साल मई के महीने में भी आए थे देख संपत्ति के मामले में। चौटाला परिवार की संपत्ति की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने अब की संपत्ति का विवरण भी मांगा था। तो आपने नु बता दिया कि जो रेड चल रही थी वह खत्म होगी सर। आपने नु भी बता दिया कि 2:30 बजे रेड जो सर खत्म होगी सर। नु बता दिया कि पूर्व सीएम का यो फार्म हाउस है जड़ा उनका कुण बाराया करें। प्रदेश के करीब 8500 निजी स्कूलों का तगड़ा झटका लगा से। नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के नाम पर कोई भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल अवैध कक्षाओं का संचालन नहीं कर पाएगा। जहां तक मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के करीब 8500 निजी स्कूलों में नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी जो कक्षाएं वे तुरंत प्रभाव तक बंद करे जाने के आदेश दे दिए हैं। और इस संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सारे मौलिक शिक्षा अधिकारी से तुरंत रिपोर्ट भी तलब करी से। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की गिल्या महिला एवं बाल विभाग के निदेशक ते भी पत्र जारी कराया से और इस संबंध में निर्देश दिए से। दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार ने मौलिक शिक्षा निदेशालय में 10 जून 2019 ने शिकायत करी थी कि जिसमें हवाला दिया गया था हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में सिर्फ कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन कराया जा सके से, जबकि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं जो लाग गए समय किसी भी नियम में नहीं लाग रही है। तो इससे ढाला की अवैध रूप से निजी स्कूलों में लगाई जा रही जो कक्षा से वह तुरंत बंद कराए जाने की मांग करी गई थी, जिसके बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश जारी करे से। तो बता दें कि ईब, एलकेजी और यूकेजी और पहली जो कक्षा से वह निजी स्कूलों में बंद कर दी गई से और ब्रजपाल परमार ने मई में शिकायत करी थी और स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार और जिनकी इस शिकायत पर यह फैसला लिया गया से कि पहली तले के बार में तय की जो कक्षा से वह चलान के नियम आड़े दिए गए से। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में कई साल से बालिका के अपहरण और उनकी गुमशुदगी के मामले सामने आए हैं, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के मुस्कान ऑपरेशन और मिसिंग सेल के तहत कई बिलखते परिवार ने उनके बालक जरूर मिले से, लेकिन कई परिवार आज भी अपने गुमशुदा बालका ने देखने खातर तरस रहे से। देखो हमारी रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम ते लगातार गायब होते मासूम पुलिस प्रशासन खातर सरदर्द बन रहे से। हाल ही में गुरुग्राम में कई ऐसे मामले सामने आए से जड़ रिश्ता की डोर में फंसा के या फिर टोपी का लालच देकर मासूमा की अस्मिता की गिल्या सौदा होया से। इसे मामले में गुरुग्राम पुलिस के मिसिंग सेल के बावजूद आज भी सैकड़ों मासूमा की गुमशुदगी और अपहरण के मामले में गुरुग्राम पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग गया है। जानकारा की माना तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे से जुड़े लोगों की सेटिंग दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और हरियाणा से लेकर साउथ इंडिया के कई बड़े शहरों में से दिल्ली और मुंबई में सब तक गणे छोटे बच्चे बेचे जा रहे हैं। जड़े बालका ने बड़े घर में काम करने का हिला दिया जा सके। इतना ही नहीं, हरियाणा राजस्थान में सब तक गणी लड़कियां की सप्लाई होने लाग रही है और कई इसे कस्बेर गांव से जड़े लड़कियां ने शादी करने खातर बेचा जान लाग रहा है, जिनने कई बार मोल की बहू भी कह दे से। 10 साल तक कम उम्र के लड़के लड़कियां के गायब होने के पीछे यो भी माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भीख मंगवाने वाले गैंग्स भी एक्टिव हो रहे से। गुरुग्राम सिटी में आधा दर्जन तक गणे गैंग्स अपना जाल बिछाए हो रहे से। आड़े एक्टिव गैंग के मेंबर्स
बालका ने चोरी करने के बाद दूसरे शहरा में सक्रिय गैंग से ट्रांसफर कर दे से। इस ढाला दूसरे शहरा तक चोरी करे गए बच्चे गुरुग्राम में लाए जा से और फिर उनते भीख मंगवाई जा से। बच्चे 3 साल के थे, अब तो करीब मान चले कि 6 साल के आसपास हो गए बच्चे अब तो। अच्छा 3 साल हो गए तकरीबन। 3 साल हो गए सर। क्या कुछ हुआ था उस दिन एक बार बताएंगे, बच्ची कैसे सदर बाजार पहुंची? सदर बाजार में वाइफ हमारे थी और सिस्टर दोनों आए थे शॉपिंग करने। तो शॉपिंग करने में करते समय में कोई सामान ये ले रहे थे, वो सामान को इंटरचेंज करते में ही इतने देर में बच्चा बोले वो गायब हुआ है। तब तक हमारे पास ही फोन आया, हमारे दोस्त भी थे मित्र थे जो सबको फोन किया, हमने भी थाने पर भी गए, बट FIR दर्ज हुआ, काफी लोगों ने कोशिश भी करी बट रिजल्ट जीरो निकला। अभी आज तक तो 3 साल हो गए, 3 साल में अभी रिजल्ट जीरो ही है। तो क्या पुलिस अब आपसे कांटेक्ट करती है किसी चीज को लेकर? नहीं अभी तो सर कोई कांटेक्ट नहीं करती पुलिस, बस वही 1 साल 1.5 साल जो बात हुई थी करीब 1.5 साल से कोई बात ऐसी है। जो लेके गया था उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ कैप्चर हुआ था कहीं सीसीटीवी? हाँ सर सीसीटीवी कैमरा वो कैप्चर हुआ है और कुछ वीडियो क्लिप भी है थाने पे भी है वो, और कुछ हमने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी हमने डाला हुआ है। गुरुग्राम पुलिस के आंकड़ा पर गौर करे तो साफ हो जा सै अक गुरुग्राम में मासूम सुरक्षित को न्या। 2012 तईब तई 1428 लड़के लड़कियां गुमशुदगी या फिर अपहरण जैसी वारदात के शिकार हुए से, जिनमें 938 लड़कियां गुमशुदा हुई से या फिर उनका अपहरण कर लिया गया से, जबकि इनमें पुलिस ने 518 लड़की सकुशल बरामद भी करी से, लेकिन 420 लड़कियां का ईब तई कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस का चिल्ड्रन मिसिंग सेल नहीं लगा पाया है, जबकि नाबालिग लड़कियां की स्थिति भी गुरुग्राम सिटी में गुमशुदगी या अपहरण के मामले में गणी नहीं सुधरी है। इसमें भी बीते 7 साल यानी के 2012 से लेकर 2019 तक 489 नाबालिग लड़के गुमशुदा हुए से या फिर उनका अपहरण कर लिया है, जिनमें 235 गुरुग्राम पुलिस ने सकुशल बरामद करे से, लेकिन इनमें भी तकरीबन 254 लड़कियां का कोई सुराग गुरुग्राम पुलिस नहीं लगा पाई है। आंकड़ा पर नजर डालना तो बीते 5 साल में तकरीबन 674 लड़के लड़कियां इब्बी से हैं जिनका कोई सुराग प्रदेश की सर्वाधिक हाईटेक मानी जा रही गुरुग्राम पुलिस के दौरे हो। 2019 में तकरीबन 139 लड़कियां और 44 लड़के साइबर सिटी तक अगवा करे थे या फिर गुमशुदा हो गए थे, इनमें से सिर्फ 44 लड़कियां ही बरामद करी गई से, यानी कि 95 लड़कियां इब्बी बरामद करनी बाकी से, और बीते साल 2018 में भी तकरीबन 182 लड़के लड़कियां आड़त गुमशुदा हुए, यानी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन नोनिहाल इब्बी अगवा या लगातार गुमशुदा होते जा रहे थे। बिल्कुल ये तो समय समय पर ऑपरेशन चलाते रहते हैं और ये ऑपरेशन मुस्कान में भी बड़ा सराहनीय कार्य किया गया था पुलिस के द्वारा, और उसको जल्द ही दोबारा से भी ये स्टेट लेवल पे शुरू किया जाएगा, और जब भी शुरू होगा ये उसमें फिर भी उसमें पूरे भरसक प्रयास किए जाएंगे। अभी तक इस तरह के ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे नाराज होके घर से चले जाते हैं, कुछ को कोई बहका के लेके चले जाते हैं, और इस तरह के मामले ही ज़्यादा आते हैं। खासकर बच्चियों में ये है कि भी उनको बेला फुजला के कोई उनका मेल फ्रेंड जो है वो लेके चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, जिसमें समाज में जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं गुड़गांव निवासियों से ये अनुरोध भी करूँगा कि वो अपने बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग करते रहें और उनकी थोड़ी सी केयर भी करें इस मामले में भी, हमारे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, कोई किसी के बहकावे मारने की संभावना तो नहीं है, अपने बच्चे पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सकता है। हरियाणा में गायब हो रहे मासूमा ने उनके माँ बाप तक मिलान खातर पुलिस ने मुस्कान ऑपरेशन भी चलाया था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग गया। शहरा में बालका ने गायब करने वाले गैंग इन बालका की अंगा की तस्करी भी करण लाग रहे हैं। ये लोग बालका ने बार दूसरे राज्य या फिर विदेशों में भी ले जा से, जड़े ऑपरेशन करके इनके अंग निकाल दिए जा से। फिलहाल पुलिस इन सारे मामलों की बारीकी से जांच करने की बात कहने लाग रही है। इसे में ये देखना होगा कि गायब होते मासूम और बिलखते परिजन के दर्द पे कि पुलिस सुरक्षा का मरहम लगा पावे से या फिर नुए डकोसड़े देती रह से। हरियाणा न्यूज खातर गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों के लिए बातचीत करते हुए विपक्ष की ओर तय सरकार पर लाए गए आरोप न्यायाधारही ने बताया। सुभाष बराला ने कहा ऐसा है कि कांग्रेस का दौरा कोई ठोस मुद्दा को नया और जहां तक वह अनाप शनाप बयानबाजी करके जनता ने गुमराह करने की कोशिश करने लाग रहे हैं, लेकिन जनता बीजेपी सरकार के कार्यकाल में बली बाती जाने से जनता विपक्ष के बहकावे में कोने आवे। वहीं पराली जलाने वाले मुद्दे ने लेकर सुभाष बराला ने कहा ऐसा है कि मिलजुल के इस समस्या का समाधान करा जाएगा कि पर्यावरण भी दूषित ना हो और किसानों ने भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए ये विपक्ष के आरोप हैं, केवल इन आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, कोई के आधार नहीं है। जिस साफ सुथरी प्रक्रिया से धान की खरीद पिछली बार हुई, यानी कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में हुई या इस बार हुई है, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कहीं कोई जब कोई और मुद्दा नहीं है। कभी इस विषय को उठाते हैं, कभी खनन के विषय को उठाते हैं, यानी कि जो कोई घपला घोटाला जिसका कहीं नज़दीक नज़दीक भी होने का अंदेशा नहीं है, उनको जनता के बीच में बिना किसी उसके आधार के उठा करके और एक गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता इस प्रकार से इनकी जो झूठी बातें हैं उसमें आने वाली नहीं है। जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, एक ईमानदार सरकार प्रदेश के अंदर बनी है और चलेगी, कि इस प्रकार के मामले कम से कम हों, प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए। मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर किसानों ने इसमें साथ दिया है और सरकार ने भी उनको अलग अलग तरह के यंत्र संयंत्र उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पर्यावरण का नुकसान इसमें होता है और दूसरा किसान की जो जमीन की उपजाऊ शक्ति है वो भी कम होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट का भी एक इस प्रकार का आदेश है और सब लोग मिल बैठ करके इसका हल करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना हो। फतेहाबाद में पिछले 6 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने आज फतेहाबाद के नेशनल हाईवे पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी करी। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने दुष्यंत चौटाला पर अपना अक्षोभ जाहिर करा। किसानों का न्यूकरण ऐसा कि दुष्यंत चौटाला ने किसान हितैषी होने के नाम पर किसानों तक वोट लिए, लेकिन अब किसानों की आवाज ने वे नहीं ठाण लाग रहे। किसानों का न्यूकरण ऐसा कि दुष्यंत चौटाला ने अपने वोटरों की गेला धोखा कराया। जुकर आपने तस्वीर के जरिए हम दिखाण लाग रहे सा के क्यूकर किसान डिप्टी सीएम का पुतला फूकण लाग रहे सर, अपना छो जो सब वो जाहिर करने लाग रहे सर, कहण लाग रहे सा कि हमारे तो वोट तो न्यू लिए थे, किसाना का भला कराया जावेगा, किसाना की जो फसल से वह खरीद दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होया। अपने छो ने जाहिर करण खातर किसान ने सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला फूकया से, तो डिप्टी सीएम का जो पुतला से वो जुकर टीवी स्क्रीन पर हम आपने दिखाण लाग रहे सा, किसान छो में दिखण लाग रहे सा। तो फिलहाल टाइम हो गया से छोटे से ब्रेक का, तावड़े वापस आवांगे, बाट देखियो। ब्रेक के बाद आप सबका घना स्वागत है। तो चलो बड़ा खबरा की ओर, खबर से इंद्री। तो इंद्री में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करी गई। बैठक में पराली जलाने पर किसानों ने गिरफ्तार करने और गन्ना का रेट न बढ़ाने सरकार की नीतियों के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी करी और सरकार तय चेतावनी दी अगर सरकार किसानों की समस्या नहीं सुनेगी तो 1 जनवरी तक करनाल में पूरे प्रदेश के किसान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख सतीश कोलेसोरा, जिला अध्यक्ष यशपाल राणा, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र मौजूद रहे। बैठक के दौरान किसानों की समस्याओं पर प्रमुखता से चर्चा करी गई। मेन तो पराली के चलान हो रहे 7800 कुछ हरियाणा में, उसके उसमें पहली तारीख को गिरफ्तारी देंगे किसान हजारों की संख्या में। ये सिलसिला अगर वापिस ही न मुकदमे वापिस नहीं लिए
ये गिरफ्तारी का ऐसी चलता रहेगा, इसमें ये रुकने वाला नहीं है। दूसरे मुद्दे हमारे ये कर्ज माफी का है, ये अपना जीरी घोटाले का है, और ये बीमा योजना का है, जिनसे इन घोटाले हो रहे इतने, ये बीमे के है 5000 से ऊपर तो करनाल करनाल की है। की गई और चर्चा की गई, जो किसानों पे पराली जलाने का एक आरोप लगा रखे, बदनाम कर रहे किसानों को, वे कम से कम किसानों पर तो मुकदमे दर्ज कर रहे, किसी फैक्ट्री पे, किसी भट्ठियाले पे, किसी मिल मालिक पे, किसी गंदे नाले पे, किसी का आज तक पर्चा दर्ज किया? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे, और सरकार इसका प्रबंध करे, जिससे प्रबंध थे किसानों का, क्यों जलाए किसान पराली, किसान को क्यों प्रदूषण तो फैलाएगा, किसान बिल्कुल खुश नहीं है। 1 जनवरी को पूरे हरियाणा के किसान करनाल के अंदर गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे, और गिरफ्तारियां क्यों दी जाएंगी, क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम होगा कि इस साल जीरी के सीजन में सरकार ने किसानों के ऊपर कम से कम 7-8 हजार किसानों के ऊपर केस दर्ज किया है, और जिसमें से कम से कम 400-500 किसान सरकार ने गिरफ्तार भी किए हैं, उनमें से 80 किसान जींद के हैं, कुछ कैथल के हैं, कुछ और जिलों से हैं। उस सारे मुद्दे को लेकर अगर सरकार को गिरफ्तारियां ही चाहिए किसानों की, तो 1 जनवरी को खुद किसान अपने आप गिरफ्तारी देने के लिए करनाल में इकट्ठे होंगे। गोहाना के उलाना गांव में बने ताऊद बिलाल शुगर मिल में गन्ने की पेराई का सत्र शुभारंभ हो गया है। इस उद्घाटन में प्रदेश के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल शामिल रहे। इस अवसर पर चीनी मिल में जो भी किसान सबसे पहला गन्ना पेराई खातर आए थे, उन तई शोल और नकद राशि देकर सम्मानित कराया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि इस साल गोहाना शुगर मिल में गन्ने की पेराई का लक्ष्य पिछले साल तक गणा रखा गया था। विपक्ष की ओर तक खनन और दान घोटाले के मुद्दे पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि जांच का विषय है, इसकी जांच करवाई जा रही है। देवलाल सहकारी चीनी मिल गोहाना के जो किराई का जो शुरू है उसका शुभारंभ किया है, उसके लिए मैंने सभी गोहाना वासियों को बहुत बधाई दी है, और इस वर्ष प्रार्थना की शुगर मिल अच्छी चले और सुरक्षित चले, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को यहाँ फायदा मिले। सीजन से इस साल अच्छा रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है, और इस शुगर मिल के लिए हम सोच रहे हैं कि इस साल जो हमारी रिफाइंड शुगर है उसके लिए ट्रायल शुरू किया जाए, ताकि अगले साल रेगुलर इसकी रिफाइंड शुगर के लिए ट्राई हो। प्याज के दामा की गेलियां गेले इब लसन के दाम भी आसमान छून लागे से। सोहना में जड़े प्याज लोगों ने रुला रहा था, तो वहीं इब लसन के दाम भी गृहणियां का बजट बिगाड़न लाग रहे से। एक और प्याज जड़े 100 रुपये एक किलो महंगा हो रहा था, तो वहीं लसन 200 रुपये किलो पा गया से। लोगों का न्यू कहना सहक वह तय सब्जी मंडी तय सब्जी खरीदने तो जा रहे से, लेकिन उनके दाम सुनकर खाली हाथ उल्टे करना आ जैसे। प्याज क्या रेट है? प्याज भाव जी 100 रुपए किलो है। तो क्या बात, बिक्री बराबर हो रही है प्याज की, कुछ कम ज्यादा हुई है? भाई बिक्री तो कुछ आप पूछे ना आगे भग जावे। अच्छा, और सुबह 15 किलो प्याज ली, जिसमें से 5 किलो प्याज बिक्री भारी पड़ी। अच्छा हाँ, तो कितना फर्क पड़ा बिक्री में? बिक्री में तो पूरा ही फर्क पड़ गया जी, क्या हिसाब से मतलब लोगों ने खरीदनी बंद कर दी है, सब्जी कोई सी भी ना जी इस टाइम सब महंगी है, सारी महंगी है, और डेली बढ़ रहे 10-10 रुपए किलो। कल मैं राज में गोभी में 10 रुपए किलो फर्क पड़ गया जी, कल गोभी 16-17 या 27-28-25 रुपए किलो बिक गया, गाजर 35-24-25 रुपए किलो बिक गया। थोड़ी प्याज खरीदने के लिए आई हूँ, जो कि प्याज का रेट है 100 रुपया, और जिन्होंने हमारी रसोई की बजट बिल्कुल खराब कर दिया। अच्छा, तो प्याज नहीं खरीदा आपने? नहीं सर, नहीं खरीदा। यहाँ खरीदने आए हैं, लेकिन प्याज ने बहुत ज्यादा बजट बिगाड़ के रख दिया है। बाकी की सब्जियां खरीदने का मन है, लेकिन प्याज खरीदने का कोई मन नहीं है फिलहाल। गुरुग्राम के पटौदी रोड इलाके में मारपीट का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि उक्त शख्स महिला पर बर्बरता बरसा रहा है। एक के बाद एक लाठी तक महिला पर वार करे गए। आरोप है कि कादीपुर गांव के गजेंद्र ने सविता नाम की महिला उसके दफ्तर में जाकर बेरहमी से पीटी। इतना ही नहीं, महिला के पति ते भी जान तक मरण की धमकी दी। फिलहाल मामले में जो घायल महिला से वह इलाज खातर अस्पताल में भर्ती कराई गई है, और आरोपी ने जो पुलिस से अपनी हिरासत में ले रही है। जो तस्वीर में भी आप देख सको सो कि उक्त महिला ने पीटने लागे
ਹੈ ਸਰ ਇਤਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਾਣਸ ਹੈ ਵੋ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈ ਅਮਾਨਵੀਏ ਇਹ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਘਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸੈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਕੀ ਮਾਰਪੀਟ ਕਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੈ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈ ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਗੀ ਭਾਈ फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज़ राम राम।